नारायण ने कृष्ण से कर्ण ने एक दिन पूछा, कर्ण एक बहुत बड़े योद्धा हुए, दानवीर महाभारत में कर्ण ने पूछा कि नारायण, एक बार अकेले बैठे थे दोनों, नारायण जरा ये बताओ मैंने ऐसा क्या किया है अपने जीवन में कि मेरे पैदा होते ही मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया, मेरा परित्याग कर दिया। कुंती ने एक पेटी में बंद करके नवजात शिशु को गंगा में छोड़ दिया था। मैंने ऐसा क्या किया नारायण, मुझे अवैध बच्चे का हक मिला, मुझे कहा गया ये चाहे जो औलाद नहीं है, मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया था नारायण, जरा ये बताओ कि जब मैं बड़ा हुआ तो द्रोणाचार्य ने मुझे अपने आश्रम में नहीं रखा, उनने कहा ये सूत्र पुत्र है इसको मैं शिक्षा नहीं देता हूं, मेरी क्या गलती है नारायण कृष्ण, मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला, द्रौपदी ने स्वयंवर में मेरा अपमान किया कि ये राजघराने का नहीं है, ये कुलीन व्यक्ति नहीं है। उस भरी सभा में मुझे द्रौपदी ने अपमानित किया महाराज, नारायण ऐसा जीवन क्यों मिला मुझे, इसमें मेरी क्या गलती है, गलती तो माता पिता ने की थी, भोग मैं रहा हूं। नारायण मैं आज संतप्त हूं, आज दुखी हूं, मुझे बताओ ऐसा जीवन मुझे क्यों मिला। नारायण कृष्ण ने कहा मुझसे पूछते हो, हां मधुसूदन, हां केशव, बताओ। मैं वीर हूं, मैं योद्धा हूं, मैं दानी हूं, सब कुछ हूं, लेकिन मेरे मन में यह बात चुभती है मैं शूद्र पुत्र कहलाया, मेरा अपमान नीचा कुल कहकर के किया गया, मेरी योग्यता पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, मेरी प्रतिभा को किसी ने नहीं देखा, शूद्र पुत्र। भरी सभाओं में, विद्वानों की सभाओं में शूद्र पुत्र कहकर के मुझे लज्जित किया जाता रहा, मैं इस दर्द को कैसे भूल सकता हूं नारायण। कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, मुझे देख, मेरा जन्म जेल में हुआ है, तेरा तो फिर भी महल में हुआ था, मुझे देख मैं जेल में पैदा हुआ, मुझे देखो कर्ण कि कोई और मेरा दुश्मन नहीं था, मेरा मामा मेरा दुश्मन बना, कंस मेरा दुश्मन बना, देखो कर्ण मेरी जिंदगी देखो, मेरे जन्म लेने से पहले ही मेरी मृत्यु की व्यवस्था कर दी जाती है, अभी मैं पैदा नहीं हुआ मारने की तैयारियां शुरू हो जाया करती हैं, मुझे देखो कर्ण, मुझे भी तुम्हारी तरह नवजात शिशु को रात को 12 बजे भागना पड़ा, मां बाप से दूर होना पड़ा मुझे, मेरा जीवन भी तो देखो कर्ण, बचपन में ही मुझे मारने के षड्यंत्र रचे, जहर भरे दुग्धपान कराए गए, पूतना भेजी गई मेरी मृत्यु के लिए, मुझे देखो गाय चराई मैंने, कहते तो नारायण है अवतार हूं, जंगलों में गैया चराता था, गोबर उठाए मैंने, देखो कर्ण मुझ पर प्राण घातक हमले हुए, देखो कर्ण बचपन में मुझे गुरु नहीं मिले, ना गुरुकुल मिला, तुम्हें तो फिर भी गुरु मिले, मुझे तो गुरु ही नहीं मिले, कन्हैया कौन से स्कूल में पढ़ने गए थे, कौन से गुरुकुल में अध्ययन किया था, कौन उनके गुरु बने थे, मैं गांव का गवारिया बनकर के घूमते रहा, दिन भर गाय चराते रहा, घूमते रहा, रास रचाते रहा, एक अक्षर नहीं पढ़ा मैंने, स्कूल ही नहीं मिला मुझे तो, तुम्हें तो फिर भी आश्रम मिला, तुम्हें तो परशुराम जैसे गुरु मिल गए, मुझे तो गुरु ही नहीं मिला। मुझे 16,000 रानियों से विवाह करना पड़ा, विवाह कोई कृष्ण का सुख नहीं था, वो एक राजनीतिक समझौता था, जिस राज्य को अपने में शामिल करना है, दुष्ट राजाओं को अपने अधीन करना है, उनकी कन्या से विवाह करना पड़ता था, रिश्ते बना लिए जाते थे, मुझे ये करना, मुझे द्वारी, मुझे गोकुल से, वृंदावन से, मथुरा से भागना पड़ा, सारीपुर से,
जरासंध के प्रकोप से। मैं कहां सौरीपुर के महल में रहता था, मुझे जाके यमुना का किनारा छोड़ना पड़ा और गुजरात में समुद्र के किनारे द्वारिका बसा करके मुझे अपनी जिंदगी गुजारना पड़ी। मुझे देखो कर्ण, मेरा जीवन देखो, महलों में पैदा हूं, जंग जेल में पैदा हुआ, गोकुल में पला, द्वारिका में राज किया। और जब मेरी मृत्यु होगी ना कर्ण, ना महल होंगे ना जेल होगा, जंगल में मैं मारा जाऊंगा, ध्यान रखना। बोलो कर्ण, समस्या तुम्हारी बड़ी है या समस्या मेरी बड़ी है? लेकिन उसके बाद भी कृष्ण ने कहा, मैं कभी रोता नहीं हूं, मेरे चेहरे पे शिकायत नहीं हुआ करती है, मेरे पास अभाव ही अभाव है। पग पग पर जिसके मौत पीछा कर रही हो, जिंदगी इसी का नाम है। कर्ण दुखी मत हो, कर्ण हे दानवीर कर्ण, तुम जानते हो तुम क्षत्रिय हो, लेकिन जिंदगी भर शूद्र पुत्र का तुम्हें उलाहना दिया जाएगा। जियो, जिंदगी इसी का नाम हुआ करता है। मान्यवर, पीसफुल जिंदगी किसकी होती है बताइए मुझे? ऋषभदेव की शांतिमय जिंदगी थी क्या? तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, जिसके दरवाजे पर इंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं, देवता के देवताओं के झुंड जिनकी सेवा में खड़े हैं। कहा जाता है ऋषभदेव पूरा स्वर्ग धरती पर उतर आता है उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन ऋषभदेव के जीवन में एक क्षण वो आता है जिन्हें 6 महीने आहार नहीं मिला करते हैं। ध्यान रखिए, पीसफुल लाइफ थी क्या उनकी? मान्यवर, 6 महीने तो संकल्प लिया, 6 महीने आहार नहीं मिला, 1 वर्ष तक जिन्होंने भोजन नहीं किया, दर दर पे जाते, गुरुद्वार द्वार जाते, गांव गांव जाते, सुबह निकलते शाम भूखे लौट करके वापिस आते, भोजन नहीं मिलता ना। क्या तीर्थंकरों का जीवन परिपूर्ण रहा है? कमठ ने पारसनाथ को कितना परेशान किया, बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े हैं तपस्या में, क्या इनके जीवन में समस्याएं नहीं थी? मान्यवर, राम के जीवन में समस्या नहीं, कौन है जिसके जीवन में समस्या नहीं? जानते हो, एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बाज होता है, ईगल, सुना है, उसकी आयु 70 वर्ष होती है। ध्यान रखना, 70 साल जीता है वो। देखो जिंदगी कैसे जीते हैं पशु पक्षी, जिन्हें हमें नासमझ जानवर कहते हैं, वो अपनी जिंदगी को क्या अंजाम दिया करते हैं। और एक हम हैं जो इतना सब कुछ होने के बाद भी दुखी, पीड़ा और चिंता में जिया करते हैं। सब कुछ तो तेरे पास है। बाज 40 साल की उम्र का जब होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, 40 साल की उम्र में आते आते, और आदमी की जिंदगी भी ऐसे ही है, जितनी भी समस्याएं ज्यादा से ज्यादा खड़ी होती हैं, 40 साल के बाद आदमी नकारात्मक हो जाता है, 40 के बाद आदमी हताश हो जाता है, 40 के बाद आदमी डिप्रेशन में जीने लगता है। बचपना तो अलग होता है। बाज को मालूम है क्या घटना घटती है उसके जीवन में? 3 घटनाएं घटती हैं उसके जीवन में। जब एक बाज 40 साल का हो जाता है, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसके पंजे ढीले हो जाते हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं। एक पक्षी के जीवन में 3 चीज ही महत्वपूर्ण होती है, पंजे, चोंच और पंख, चौथी चीज तो उसको चाहिए ही नहीं। तीनों ही चीज उसकी डैमेज हो जाती है, तीनों ही चीज उसकी बर्बाद हो जाती है। चोंच भी टूट गई, पंख ढीले हो गए, पंख भारी हो गए, पंजे लचीले हो गए, अब उनसे वो शिकार नहीं पकड़ सकता। चोंच मुड़ गई तो वह कुछ खा नहीं सकता, क्योंकि चोंच मुंह तक मुड़ जाती है, पंख भारी हो गए तो वो उड़ नहीं सकता। क्या करे वो बाज? 40 साल की उम्र में उसके हर बाज के साथ ऐसा होता है। उस मन को समझाओ, पागल किसी के जैसा मत बन, तू अपने जैसा बन जा,
जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा। किसी के जैसा क्यों बनना? मैं नहीं सोचता मैं विद्यासागर जी बन जाऊं, क्यों बन जाऊं? मैं नहीं बन सकता। मैं नहीं सोचता आचार्य विद्यानंद बन जाऊं, मैं नहीं सोचता आचार्य देशभूषण हो जाऊं, मैं नहीं सोचता कि मैं आचार्य पुष्पदंत बन जाऊं। मैं लाख कोशिश कर लूं तो भी नहीं बन सकता हूं, और वो लोग भी कोशिश कर लें पुलक सागर बन जाए तो वो भी नहीं बन सकते हैं। ध्यान रखना, जो जैसा है वो वैसा है। दूसरे जैसा बनने में जीवन को अशांत मत बनाओ, दूसरे के जैसा बनने में जीवन में पीड़ाएं अर्जित मत करो, जीवन को क्लांत मत बनाओ। हर व्यक्ति की अपनी अपनी उपयोगिता है। एक नाटक में जितने पात्र होते हैं ना, सभी पात्र एक सा रोल अदा थोड़ी करते हैं, और सभी पात्र एक सा रोल अदा करें तो फिर वह नाटक नाटक नहीं रह जाता है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, जो पात्र जैसा है अपना रोल अदा करता है और दुनिया से विदा हो जाया कर।